Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and those who are new, welcome to my channel. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. करते हैं आज का वीडियो शुरू. और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस DFGN के में, यानी दीवान फ्रूट गार्डन नत्था खान रामगढ़ नैनीताल में. तो दोस्तों देखो, आज हमारा दूसरा दिन है सीजन का और अभी भी छटाई कंटिन्यू है. अभी सारे आड़ू एकदम से नहीं तोड़े जा रहे हैं, छाट छाट के तोड़े जा रहे हैं. और हमारे जो घर के, अभी हमारा घर ऊपर है, घर के नीचे की साइड वाले खेतों में आ रखे हैं हम. और यहाँ पे आड़ू बहुत घने घने में लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा तो छाट रहे हैं जो बड़ा है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से पका हुआ भी नहीं है. तो जो हल्का लाल हो रखा है बड़ा बड़ा, वही छाट रहे हैं. तो चलो तोड़ते हैं. और मेरा तो आज फिर से वही काम है कि यहाँ से घर पहुँचाना है. जो ये खेत है, ये हमारा सबसे बड़ा खेत है. और पर्सनली मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हर तरफ चारों ओर से पेड़ ही पेड़ है और आड़ू ही आड़ू दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वैसे. और वो देखो, वो है हमारा चुस्की का पेड़, जो चुस्की वाली नाशपाती होती है, वो भी कुछ टाइम पर तैयार हो जाएगी. वो बहुत टेस्टी होती है. और ये हमारा सबसे एंडिंग वाला खेत है. इसके नीचे से जो वो टैंक दिख रहा है, वाला खेत से हमारे चाचा लोग का खेत शुरू हो जाता है. देखो उन लोग का टैंक दिखाती है. ये देखो, ये रहा टैंक जो इन्होंने जैसे मिट्टी खोद के तिरपाल भी छा के ये बना रखा है. यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है और उसके बाद यहाँ से नल लगा के पूरे खेत में डाल देता है. और उन्होंने वहाँ नीचे बंद गोभी भी लगा रखी है, तो मस्त बंद गोभी हो रही है वहाँ पर. फिर खाई जाएगी जब ये हो जाएगी, तो फिर मस्त बंद गोभी की सब्जी खाई जाएगी. देखो चारों तरफ खेत में बहुत ज़्यादा घास हो रही है. इतने पाँव डूब जा रहे हैं, इतने तो पाँव जा रहे हैं. और इस घास के ऊपर से ये मस्त से आड़ू. तो यही सब देख के तो गाने को मन करता है. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. तो दोस्तों देखो, आज भी इतने बड़े बड़े आड़ू तोड़े जा रहे हैं. और आज वाले जो आड़ू हैं वो तो थोड़े कल से ज़्यादा लाल भी हैं. तो दोस्तों एक बेनिफिट और बताती हूँ आपको इस आड़ू का. इस आड़ू को खाने से जो सनरेजेस पड़ती हैं, इनसे जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, तो इनसे भी हमारी स्किन को ये आड़ू प्रोटेक्ट करते हैं. तो आड़ू खाओ, ज़रूर खाओ और दबा के खाओ. तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:50 और हमारा आज का आड़ू तोड़ना हो चुका है. सारा आड़ू नीचे की साइड भी छांट लिया है. अब ये हो जाएगा तो फिर एक दो दिन में फिर छांटेंगे. और अभी मैं धारे वाले खेत से आ रही हूँ, और वहाँ हमने एक दो हफ्ते पहले मडवा लगाया था, तो उसमें मम्मी कह रही थी कि कुछ कहती रुपाई ना, हाँ मम्मी कह रही थी कि उसमें धनिया लगाना है. अब मैं तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है, धनिया लगाना. तो अब देखते हैं इस बार मम्मी से सीखूँगी कि धनिया कैसे लगाते हैं. और ये देखो हमारे दो, ये चंदो और ये तो पता नहीं कहाँ है. तो धनिया लगाना, अगर मैं भी गई अगर धनिया लगाने, तो आपको भी बताऊंगी कि धनिया कैसे लगाया जाता है मडवे में. और यहाँ देखो सोनी यहाँ पे पिरूल भर रही है. यहाँ पर मोहन सिंह बिस्त जी, हमारे इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिक, यहाँ पर पैकिंग का काम कर रहे हैं. नाम तो खाली है DFG फ्रूट गार्डन, पीछे हाथ तो इन्हीं का है. ये देखो आज हमने इतना आड़ू तोड़ लिया है और इतना हमारा पैक हो चुका है. और दोस्तों पहाड़ी आदमी किसी चीज़ से परेशान हो या ना हो, गर्मियों के दिनों में इन मक्खियों से इतना परेशान होता है. इतनी मक्खियाँ हो जाती हैं यहाँ कि क्या बताया जाए आपको.
सभी के घरों में ऐसी मक्खियाँ हो रही है ना आजकल, पूछो मत। ये देखो कहीं पर भी बैठो पीछे से घूम। ये देखो। तो दोस्तों देखो यहाँ पर बुबू पैकिंग कर रहे हैं और जितना पका हुआ आड़ू निकल रहा है उसको यहाँ पे इकट्ठा करते रह रहे हैं। इनको फिर हम खाएंगे चटपटा पहाड़ी नमक पीस के। तो दोस्तों देखो एक सिमेट्री बनानी पड़ती है वरना आड़ू आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर एक लाइन पे नहीं आ पाते और निकलने लग जाते हैं। अगर आगे वाला आड़ू निकाल लगाएंगे तो पीछे वाला निकल जाएगा, पीछे वाला लगाएंगे तो आगे वाला निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको एक सिमेट्री में लगाना पड़ता है। तो दोस्तों आज भी अगर आड़ुओं की हमने गिनती कर ली है तो आज भी नीचे वाली लाइन में 42 यानी 42 ही दाने आए हुए हैं। अब देखते हैं ऊपर वाली लाइन में कितने आते हैं। दोस्तों देखो ये ख़त्म होने वाला है और यहाँ यहाँ काम बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। आज भी हम पहुँचा देंगे 15-20 का थोक। तो दोस्तों देखो आज हमारी सीजन का दूसरा दिन है और हमने अब तक अपने खेत का एक भी आड़ू नहीं चखा है। तो अभी ले आई हूँ मैं इतने पके हुए आड़ू और इनको काटती हूँ और सबको देती भी हूँ और साथ साथ में कुछ मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो उसको भी सुनी लेती हूँ। मैं चखने जा रही हूँ अपने घर का पहला आड़ू, देखती हूँ कैसा है और कितना टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी है। और ये मत सोचना मैं खाली खाली ऐसे ही कर रही हूँ मेरे घर के हैं करके, लेकिन ये सच में वाले ही हैं। तो गाइज अब हम छापने जा रहे हैं स्टेंसिल्स और स्टेंसिल्स के लिए पापा ने रंग बना रखा है। ये वही रंग है, वही पक्का रंग है जिसको जो कुछ बच्चे होते हैं ना होली में पक्का रंग छाप के चले जाते हैं, वही पक्का रंग हम पेटियों में छापते हैं। देखो सोनी यहाँ पर फटाफट से स्टेंसिल छापने का काम करती है। देखो पहले जो हमारे बने हैं उनका स्टेंसिल छाप रही है सोनी। दोस्तों दूसरी तरफ ये है अपना स्टेंसिल DFGNK
पता है ना DFGNK क्या है? अभी बज गए हैं 4:00 और हमारे वहाँ हमारी पड़ोस की गंगा चाची हैं, वो पलटा देने के लिए आई हुई हैं, वही धनियाव लगाने के लिए आई हैं मडवे में। तो मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। चलो दिखाती हूँ आप सबको धनियाव कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये होता है धनियाव लगाना। धनियाव लगाना मतलब होता है कि मडवे की सफाई करना, मतलब इसके बीच में जो झाड़ होता है उसको सब साफ कर देना। तो देखो मम्मी कितनी फटाफट लगा रही है, यहाँ पर गंगा चाची भी लगा रही है। फिर इसके बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर धनिया गुड़ाई करेंगे, गुड़ाई हो जाएगी। तो दोस्तों देखो चाची हमें पलटा देना ही है। और पलटा क्या होता है? पलटा ये होता है कि जैसे आज चाची हमारे वहाँ काम करने के लिए आ रखी है, तो एक दिन का वो हम पे रह गया कि एक दिन हमको उनके वहाँ काम करने जाना पड़ेगा। तो पहाड़ों में ये चीज़ अच्छी है कि एक दूसरे के वहाँ मिल बांट के काम सब हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही पे लोड पड़ जाता है। मतलब आज हमने उनको पलटा बुला रखा, तो मम्मी कल पलटा उतारने के लिए यानी उनका पलटा उनको वापस कर देती है वहाँ जाके। तो बात बराबर। तो ये होता है पलटा। तो दोस्तों वहाँ देखो सोनी कर रही है कुत्ते के साथ में खेल, और जो डिब्बे में साइड से पिरूल निकली हुई है उसको पापा काट रहे हैं। और अभी हम इनको वहाँ नीचे वो जो रास्ता दिख रहा है उससे नीचे रोड है, तो वहाँ पहुँचाना है हमें इसको। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अब इसको पहुँचाने का भी टाइम हो गया है। और जैसे कि पता है कि शाम के टाइम पर सबका काम बढ़ जाता है, तो हम भी करते हैं इनको पहुंचाते हैं रोड तक और फिर शाम के खाने की तैयारी। तो करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।